हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैमिली। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ लाइन वाइज आप सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं डायरेक्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन पे ही आता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन, मेरे दोस्तों, अगर मैं फैमिली टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम सभी को पता है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार। सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। बट ये सोसाइटी कोई नैरो टर्म नहीं है, सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है। सोसाइटी में आप बहुत कुछ देखते हो। अगर आप सोसाइटी में हो तो आप सोसाइटी में एसोसिएशन को देखते हो, सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी में कल्चर होता है सोसाइटी का, सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं। तो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक जो टाइप है, जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जांपल है सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो है फैमिली। मेरे दोस्तों, मैंने इससे पहले मैरिज के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन दी थी। आप वहाँ भी जाकर आप अच्छे से देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, बेसिकली जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसका मतलब होता है कि एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जब लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट तैयार कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसको सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो एक बेसिक पर्पस से अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है, हमें नॉलेज मिले, सोसाइटी में रहना कैसे है वो सीख सकें, क्या गलत है क्या गलत नहीं है इसका पता चलता है एजुकेशन से हमें। तो एजुकेशन सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज, मैरिज भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग करते हैं, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। वैसी लॉज सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह से रिलीजन, रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी में बनाया जाता है ताकि लोग मॉरल वैल्यूज़ को सीख सकें, लोग सही और गलत में डिफरेंस सीख सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें उनको पता चल सके डिफरेंस क्या है। इसके अलावा फैमिली, फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अमंग अस द डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, फैमिली इज वन ऑफ दैम। तो आज हम फैमिली के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिखोगे कि फैमिली इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली इज फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन की पहली एजेंसी है। एक बच्चा जन्म लेता है, एक कोरे कागज की भांति एक बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जैसे वो फैमिली के संपर्क में आता है, मम्मी पापा के संपर्क में आता है, भाई बहनों के संपर्क में आता है, वो बहुत कुछ सीखता है। माँ के संपर्क में आकर वो दूध पीना सीखता है, पिता के संपर्क में आकर वो बोलना सीखने लग पड़ता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि फैमिली पहली एक एजेंसी मानी जाती है सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाए मेरे यूट्यूब चैनल में, उसमें जाकर वीडियो जरूर देखें, अगर होगा तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद मेरे दोस्तों फैमिली में आप ये लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। आगे आप लिख सकते हो, फैमिली कैन बी डिफाइंड आल्सो एज ए प्राइमरी ग्रुप। फैमिली जो है इट इज़ क्लासीफाइड एज ए प्राइमरी ग्रुप, ये प्राइमरी ग्रुप माना जाता है। ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, पर फैमिली को हम प्राइमरी ग्रुप मानते हैं। क्यों फैमिली को प्राइमरी ग्रुप माना जाता है? क्योंकि फैमिली मेंबर्स के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है,
फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। मैंने सोशल ग्रुप्स के ऊपर वीडियो बनाई है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें मैंने आपको प्राइमरी सोशल ग्रुप्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप भी होता है। ये सारी बातें मेरे दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, फैमिली उनमें से एक है, फैमिली सोशलाइजेशन की पहली एजेंसी मानी जाती है, प्राइमरी ग्रुप माना जाता है। तो आप ये सारी बातें इसमें लिख सकते हो। इसके बाद अगर आपने ये सारी बातें लिख ली तो आइए हम फैमिली के मीनिंग के ऊपर चलते हैं कि फैमिली का मीनिंग क्या होता है, फैमिली का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं फैमिली की मीनिंग की बात करूं तो जो वर्ड फैमिली है दिस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है हमारा फैमुलस, लैटिन वर्ड है हमारा फैमुलस। इसी लैटिन वर्ड से हमने फैमिली वर्ड डिराइव किया है। द टर्म फैमिली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमुलस विच मीन्स सर्वेंट। जो फैमिली टर्म है वो लैटिन टर्म फैमुलस से ड्राइव की गई है, फैमुलस से ली गई है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। मेरे दोस्तों फैमिली का जनरल सा मीनिंग क्या है, इट इज़ अ सोशल ग्रुप। यह एक सोशल ग्रुप है। कौन? फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कंसिस्ट हस्बैंड वाइफ एंड दियर चिल्ड्रन एंड सर्वेंट। ये जनरल मीनिंग है जो फैमिली का माना जाता है। फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ऐसा सोशल ग्रुप है, एक ऐसा सोशल ग्रुप है सोसाइटी में विद्यमान लोगों का समूह है जो कि कंसिस्ट करता है हस्बैंड को, वाइफ को, उनके बच्चों को और सर्वेंट को। सर्वेंट को फैमिली कंसिस्ट करती ही करती है। फैमुलस का वर्ड का मतलब है सर्वेंट, लैटिन वर्ड है फैमुलस, उसका मतलब ही सर्वेंट होता है। तो मेरे दोस्तों अभी तो फैमिलीज चेंज हो रही हैं, अभी तो फैमिलीज के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है, डायनामिक है कंसेप्ट ये फैमिली, अभी तो लगातार चेंज आ रहा है फैमिली में। अभी तो सर्वेंट फैमिली में होते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के घर में नौकर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है, ये लैटिन टर्म से लिया गया था टर्म फैमिली, जिसका मतलब सर्वेंट मेन होता है। तो फैमिली का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? फैमिली का मतलब होता है एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे और साथ में सर्वेंट आता है। ये फैमिली का जनरल मीनिंग है। मेरे दोस्तों वेरियस स्कॉलर्स ने, बहुत सारे हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने फैमिली को अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो हम आइए फैमिली की कुछ डेफिनेशंस को भी देखते हैं, फैमिली की डेफिनेशंस क्या होती हैं। डेफिनेशंस देखने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, रोमन लॉ की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, फैमिली को बोला जाता है ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स प्लस सर्वेंट। इफ आई टॉक अबाउट रोमन लॉ द वर्ड फैमिली डिनोट्स द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और उनके साथ में सर्वेंट, जो उनके सर्वेंट है, इसको फैमिली बोला जाता है। तो आपको फैमिली के तीन चार मीनिंग पता चल गए होंगे। सबसे पहला, फैमिली वर्ड लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है फैमुलस से, जिसका मतलब सर्वेंट होता है। जनरली फैमिली का मतलब है सोशल ग्रुप जो कि सोसाइटी में बनाया जाता है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे और सर्वेंट आता है। रोमन लॉ में फैमिली का मतलब होता है जो लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उनके सर्वेंट साथ में, ये फैमिली है। आइए अब वेरियस स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को देखते हैं कि स्कॉलर्स ने कैसे इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है। मेरे दोस्तों अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने तरीके से फैमिली को डिफाइन किया है। According to Elliot and Merrill, Elliot and Merrill, M-E-R-R-I-L-S. Merrill और Elliot क्या बोलते हैं? Family is a biological social unit. Biological social unit composed of husband, wife and their children. क्या बोलते हैं हमारे
एलियोट एंड मैरिल की फैमिली एक ऐसी बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है, बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें हस्बैंड आता है, उसकी वाइफ आती है और उनके बच्चे आते हैं। तो इन्होंने अपने डेफिनेशन में सर्वेंट का नाम नहीं लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया सर्वेंट वर्ड जो है वो एक एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन है फैमिली की। एटिमोलॉजिकल मतलब फैमिली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड फैमुलस जिसका मतलब सर्वेंट होता है। लेकिन अभी जैसे जैसे डेफिनेशन टाइम बर्ड आया डेफिनेशन चेंज भी होएगी। क्यों चेंज होएगी, डिफरेंट स्कॉलर्स अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और जो ये कंसेप्ट है फैमिली डायनामिक है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अभी के फैमिलीज में आपको सर्वेंट देखने को नहीं मिलता होगा, वो जनरल मीनिंग था। लेकिन इन स्कॉलर ने एलियोट एंड मैरियल ने बोला है कि फैमिली एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो एक हस्बैंड उसके वाइफ और उनके बच्चे को कंसिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू वर्गेस एंड एच आई लोक, वर्गेस एंड एच आई लोक, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाई द टाई ऑफ मैरिज ब्लड एंड एडॉप्शन। फैमिली का मतलब है लोगों का समूह। जो समूह कैसे बना है, या तो मैरिज की वजह से, या तो ब्लड रिलेशनशिप की वजह से, या तो अडॉप्शन की वजह से। तो फैमिली का मतलब है लोगों का समूह। जो समूह क्यों बना है, टाई क्यों बना है लोगों के बीच, क्यों उनके बीच आपस में संगठन बना है, या तो उनके बीच मैरिज हुई है तो संगठन बना है, या कोई ब्लड का रिलेशनशिप है तो संगठन बना है, या अडॉप्शन बच्चे को अडॉप्ट किया है और फिर फैमिली बन गई। तो दीज आर टू डेफिनेशंस दैट यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन। आइए अब बहुत ही महत्वपूर्ण हम फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं। फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मेरे दोस्तों, अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फीचर्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स जो आप लिख सकते हो वो ये है कि फैमिली इज़ यूनिवर्सल। फैमिली इज़ यूनिवर्सल, मैंने मैरिज में भी आपको ये बात बताई थी, फैमिली यूनिवर्सल है। फैमिली इज़ नॉट अ एनी पर्टिकुलर फिनोमिना, दिस फैमिली डज एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वेयर देयर वुड बी सोसाइटी देयर वुड बी फैमिली। Family is a universal phenomena, it is not a general, it is not a particular phenomena, it does not only exist in a particular society, but it exists everywhere. हर जगह विद्यमान होती है फैमिली। अमेरिका में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, इंडिया में आ जाओ, हर जगह ये सोसाइटी, हर सोसाइटी में ये फैमिली विद्यमान होगी, यूनिवर्सल। दूसरा परमानेंट, फैमिली इज नॉट अ टेम्पररी इंस्टीट्यूशन, दिस इज परमानेंट। हाउ एवर द मेंबर्स ऑफ फैमिली दे कैन डाई बट स्टिल द फैमिली विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस। एक हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे सभी मिलकर फैमिली बनाते हैं। हस्बैंड मर गया, फैमिली फिर भी माँ और बच्चों के बीच होगी, और वो सारे मर गए मान लो किसी वजह से, तो फैमिली जो वर्ड है वो ख़त्म नहीं होगा। लाखों फैमिलीज हैं, फैमिली तो वर्ड हमेशा विद्यमान रहेगा ना। फैमिली बनाने वाले हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं तो फैमिली थोड़ा ख़त्म हो जाएगी, फैमिली तो सोसाइटी में है ही है। एक सोसाइटी में एक फैमिली के लोग मर गए तो इसका मतलब फैमिली ख़त्म नहीं हुआ, फैमिली वर्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। फैमिली जो चीज़ है, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये परमानेंट है, कोई टेम्पररी नेचर का इंस्टीट्यूशन नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तीसरा डायनामिक, मेरे दोस्तों फैमिली परमानेंट तो है, हर वक्त विद्यमान होता है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में विद्यमान होगा। लोग मर गए फैमिली को बनाने वाले, उसके बाद नई फैमिलीज बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली डायनामिक कंसेप्ट है, एक चेंज होने वाला कंसेप्ट है, फैमिली सेम नहीं रहती। फैमिली दिस सोशल इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्ट टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फैमिली कंसिस्ट हस्बैंड वाइफ देयर चिल्ड्रन एंड सर्वेंट, देयर सर्वेंट डाई, नाउ चेंज कम प्लेस इन द फैमिली। लेटर ऑन वाइफ डाई, नाउ अगेन चेंज कम इन द फैमिली। लेटर ऑन द सन गॉट मैरी, हस्बैंड वाइफ देयर चिल्ड्रन एंड सर्वेंट, सर्वेंट डाई वाइफ डाई वन ऑफ चिल्ड्रन गेट्स मैरी, उसकी मैरिज हो जाती है, वाइफ आ जाती है, नई फैमिली बन गई। फैमिली में चेंज तो होता ही रहेगा, फैमिली इज अ डायनामिक कंसेप्ट।
पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, देयर वर ज्वाइंट फैमिलीज इन द एंशिएंट टाइम, बट नाउ चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस. नाउ पीपल प्रेफर टू हैव सेपरेट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड नॉट द ज्वाइंट फैमिली. नाउ ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट इज नॉट सो पॉपुलर इन द सोसाइटी, चेंजेस आर बीन टेकन प्लेस इन द सोसाइटी. मेरा बोलने का मतलब क्या है, फैमिली परमानेंट है, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी फ्यूचर में रहेगी, पर चेंजेस लगातार आ रहे हैं फैमिली में. पहले बड़ी फैमिली होती थी, अब छोटी फैमिली है. फैमिली में आज 50 बंदे कंसिस्ट कर रहे हैं, कल मान लो कोई ज्वाइंट फैमिली है, 50 बंदे उसमें कंसिस्ट करते हैं, कल कुछ मर गए, फैमिली छोटी होगी, फिर कुछ एक की शादी होगी, फैमिली बड़ी होगी, फिर कुछ एक के बच्चे पैदा हो गए, फैमिली और बड़ी होगी. चेंजेस लगातार फैमिली में आते हैं. फैमिली इज डायनामिक कंसेप्ट. आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा. फोर्थ आप लिख सकते हो, फोर्थ आप लिख सकते हो एंशिएंट. फैमिली इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, दिस इज एज ओल्ड एज सोसाइटी इटसेल्फ. फैमिली इज वेरी ओल्ड फिनोमिना. दिस वॉज इन सोसाइटी, इन एंशिएंट सोसाइटी, वेयर देयर वॉज सोसाइटी देयर वुड बी फैमिली. जहां पर सोसाइटी थी वहां फैमिली थी. फैमिली सोसाइटी का एक अभिन्न अंग माना जाता है. सोसाइटी में लोग आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, फैमिलीज बन के आती हैं. पुराने टाइम पर भी फैमिलीज थी, अब भी फैमिलीज हैं, आगे भी फैमिलीज रहेंगी. फैमिली एक एंशिएंट कंसेप्ट है, कोई आज या कल का बना हुआ कंसेप्ट नहीं है. इसके बाद पांचवा लिख सकते हो प्राइमरी ग्रुप. मेरे दोस्तों, फैमिली एक सोशल ग्रुप है, और ये कौन सा सोशल ग्रुप है, प्राइमरी सोशल ग्रुप. अगर आप मेरी वीडियो को देखो सोशल ग्रुप की, मैंने उसमें ग्रुप के टाइप्स बताए हुए हैं. एक टाइप है प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. फैमिली प्राइमरी ग्रुप है. प्राइमरी ग्रुप इज दैट ग्रुप इन विच द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर हैविंग द फेस टू फेस इंटरेक्शन. अगर किसी ग्रुप में दो मेंबर्स के बीच बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, वो प्राइमरी ग्रुप है. अब फैमिली में देखो, बच्चों पेरेंट्स के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है. सुबह इकट्ठे खाना खाते हैं, शाम को इकट्ठे खाना खाते हैं, बच्चों को चीज चाहिए पापा के पास जाकर डायरेक्टली मांगते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं. मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप नहीं है. सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, फेस टू फेस एलिमेंट, इंटरेक्शन वाला एलिमेंट नहीं पाया जाता, पर फैमिली में ऐसा नहीं होता. फैमिली में फेस टू फेस इंटरेक्शन पाई जाती है. आगे आप लिख सकते हो क्लोज्ड ग्रुप. मेरे दोस्तों, फैमिली एक क्लोज्ड ग्रुप है, यह ओपन ग्रुप नहीं है. ओपन ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है जिसका मेंबर हर कोई बन सकता है, पर फैमिली में ऐसा नहीं है. फैमिली में मेंबर कैन, फैमिली कंसिस्ट द मेंबर ईदर बाय ब्लड और बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन. फैमिली में बंदा मेंबर बनेगा या तो ब्लड रिलेशनशिप की वजह से, या मैरिज रिलेशनशिप की वजह से, या अडॉप्शन की वजह से. अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो बंदा फैमिली का मेंबर बन जाएगा. इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप है, फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता. एक व्यक्ति है, उसके घर में उसकी वाइफ है, दो बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ, तीसरा बंदा फैमिली का मेंबर बनना चाहता है, हर कोई नहीं बन सकता. या तो उनके बीच बच्चा पैदा हो ब्लड से तो वो उनका फैमिली का मेंबर मारा जाएगा, या फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट करें वो फैमिली का मेंबर माना जाएगा. कोई तीसरा बंदा आके बोलता है मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ, नहीं बन सकता. कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए. फैमिली एक क्लोज्ड ग्रुप है, ओपन ग्रुप नहीं है. ओपन ग्रुप का मतलब होता है हर कोई उसका मेंबर बन सकता है. पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ओपन ग्रुप. पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप हर किसी को फ्री में वॉलंटरली मेंबरशिप होती है, हर कोई मेंबर बन सकता है. फैमिली में ऐसा नहीं है. फैमिली एक क्लोज्ड ग्रुप है, हर कोई मेंबर नहीं बन सकता. मेंबर वही बन सकता है जो या तो ब्लड के माध्यम से आए, या मैरिज के बाद आए, या अडॉप्शन के माध्यम से आए. हस्बैंड वाइफ उनका एक बच्चा है, तीसरा कोई फैमिली का मेंबर बनना चाहता है, बच्चे ने आगे शादी करी, लड़की आ गई, फैमिली का मेंबर बन जाएगी. ऐसे लड़की बोले मुझे अपना घर का मेंबर बना लो, नहीं बनेगी. फैमिली इज अ क्लोज ग्रुप, एवरीवन कैन नॉट बिकम द मेंबर. मेंबर्स कैन बी ईदर बाय ब्लड, मैरिज और बाय अडॉप्शन. आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे. अगला एक और पॉइंट आप ले सकते हो कि फैमिली जो है इट कैन बी न्यूक्लियर और इट कैन बी ज्वाइंट. फैमिली जो है वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, ज्वाइंट भी हो सकती है,
पुराने टाइम पे ज्वाइंट फैमिलीज वर प्रेफर्ड, बट नाउ एट प्रेजेंट टाइम ज्वाइंट फैमिलीज आर नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द पीपल। पीपल लाइक टू हैव सेपरेट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, दे डू नॉट वांट टू हैव अ लार्ज फैमिली। रीजन मे बी डिफरेंट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैनी रीजन आर देयर। उनके पास घर में जमीन कम होती है, इकट्ठे सभी रह नहीं पाते, को बहुत से रीजन हो सकते हैं, पर फैमिली न्यूक्लियर भी हो सकती है, फैमिली ज्वाइंट भी हो सकती है। अब के टाइम पर न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एंशियंट टाइम पर ज्वाइंट फैमिली में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आप ये पॉइंट भी ले सकते हो। आई होप मेरे दोस्तों आपको फैमिली के जो है वो फीचर्स समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको फैमिली की फीचर्स समझ आ गई हो तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ फैमिली, कि जो फैमिली है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं। मेरे दोस्तों फैमिली के फंक्शंस क्या हैं, हमने मैरिज के फंक्शंस भी पढ़े थे, अब फैमिली के फंक्शन पढ़ने लगे हैं। तो मेरे दोस्तों एक फैमिली का जो सबसे पहला फंक्शन बनता है वो बनता है आपका एजुकेशनल फंक्शन। क्या बनता है वो? एजुकेशनल फंक्शन। मेरे दोस्तों अगर मैं एजुकेशनल फंक्शन की बात करूं तो फैमिली इज डीम्ड टू बी द फर्स्ट टीचर, टू बी द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चिल्ड्रन। When a children borns, he come into the contact with the family for the very first time only. Family के संपर्क में सबसे पहले बच्चा आता है, family उसका एक school बन जाती है। बच्चा स्कूल में तो बाद में जाता है, जो स्कूल होते हैं, पाठशाला जो होती है, जो विद्यालय होता है, वहाँ तो बाद में जाता है, सबसे पहले वो फैमिली के संपर्क में आता है। फैमिली बच्चे को मॉरल एजुकेशन देती है, बच्चों आपने बड़ों से बात क्या करनी है, चाचा को नमस्ते करो, नाना को नमस्ते करो, सुबह उठकर मम्मी पापा को नमस्ते करो, ब्रश करो, हाथ धोकर खाना खाओ। हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ कौन सिखाती है? फैमिली सिखाती है। फैमिली बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देती है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि अगर मान लो कोई फैमिली जो वो घड़े बनाने का काम करती है तो वो अपने बच्चों का घड़ा कैसे बनाते हैं वो सिखाती है। अगर कोई फैमिली जो है वो लोहे का काम करती है तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि लोहे का काम कैसे किया जाता है। अगर कोई फैमिली जो है उसके घर में कोई बिजली का काम किया जाता है तो पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को कि भाई ये काम ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी देती है। और ये एजुकेशन देने में, मॉरल एजुकेशन देने में रोल प्ले करने वाले कौन है? फादर, मदर एंड एल्डर्स। एल्डर्स में ब्रदर्स आ जाएंगे, हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सारे आ जाएंगे। तो फैमिली जो सबसे पहला स्कूल माना जाता है बच्चों का, तो पहला फंक्शन फैमिली का क्या है? जो बच्चे हैं, जो न्यू बोर्न बेबी सोसाइटी में आई हैं, उनको एजुकेशन देना, उनको वोकेशनल एजुकेशन देना, उनको जो है वो मॉरल एजुकेशन देना। इसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा जो फंक्शन आप लिख सकते हो, सेकेंड जो फंक्शन आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सेकेंड फंक्शन जो आप लिख सकते हो फैमिली का, वो आप लिख सकते हो कल्चरल फंक्शन। मेरे दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी कल्चर के ऊपर, अगर नहीं देखे हो जरूर देखें। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है समथिंग विच गिव्स द सोसाइटी इट्स आइडेंटिटी। कल्चर का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लोग फॉलो करते हैं, और वो चीज़ें सोसाइटी की एक आइडेंटिटी प्रदान करती हैं बाहर वाले लोगों के लिए। इंडिया कल्चर क्या है? इंडिया के लोग, औरतें जो वो साड़ी पहनती हैं, जो मर्द हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, नैरो माइंडेड के लोग होते हैं, ये कल्चर है हमारा सारा। हम दीपावली को त्यौहार मनाते हैं, हम रामनवमी में त्यौहार मनाते हैं, हम लोग जो है वो ईद में त्यौहार मनाते हैं, हम लोग जो है वो हर एक त्यौहार मनाते हैं हर एक रिलीजन का। तो ये सारे हमारे कल्चर्स हैं। तो जो कल्चरल फंक्शन में क्या होता है, फैमिली अपने बच्चों को सोसाइटी में कल्चर बताती है। जब बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता होता हमारी फैमिली का कल्चर क्या होगा। अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं था पता कि हिंदू धर्म के कल्चर क्या होते हैं। किसने सिखाया? फैमिली ने सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, बड़े भाइयों ने सिखाया, चाचा ने सिखाया, ताई ने सिखाया, ताया ने, दादा ने, दादी ने, सभी ने मिलकर मुझे सिखाया। तो वही होता है फैमिली कल्चरल फंक्शन जो परफॉर्म करती है। आपको बताना चाहूँगा कल्चर की अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, कल्चर शेयर किया जाता है, कल्चर सीखा जाता है,
आपको मैंने कल्चर की वीडियो में बताई थी सारी बातें। तो शेयर कौन करता है? पेरेंट्स शेयर करते हैं बच्चों के साथ। सिखाता कौन है? लर्न कौन कराता है बच्चों को? पेरेंट्स लर्न कराते हैं, फैमिली लर्न कराती है। दूसरा फंक्शन है हमारा कल्चरल फंक्शन, एजुकेशनल कल्चरल। तीसरा आप लिख सकते हो इकोनॉमिक फंक्शन। तीसरा आप लिख सकते हो इकोनॉमिक फंक्शन। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली का एक और फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शन भी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे के रिगार्डिंग। और फैमिली क्या करती है? फैमिली अपनी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पूर्वजों की जमीन को संभालते हैं, उन पे खेती करते हैं, उस जमीन पे प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। फैमिली में हस्बैंड जो है वो नौकरी करता है, वाइफ घर में बच्चों को संभालती है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मेरे दोस्तों, फैमिली का एक और फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शन भी है। आप इसमें ये लिख सकते हो कि फैमिली सर्व्स एज ए इकोनॉमिक यूनिट, फैमिली लुक्स आफ्टर फैमिली फैमिलीज प्रॉपर्टी, द हेड ऑफ फैमिली कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ फैमिली डिस्ट्रीब्यूट्स द इकोनॉमिक फंक्शन अमंग द फैमिली। वो किसी को बोल देगा तुम खेती, हेड ऑफ फैमिली करता जो होगा वो किसी को बोल देगा तुमने खेती करनी है, तुमने बाहर जॉब करनी है, तुमने घर को संभालना है। तो फैमिली मिलकर आपस में क्या करती है? इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करती है। आगे आप लिख सकते हो सोशल फंक्शन, फैमिली सोशल फंक्शन भी परफॉर्म करती है मेरे दोस्तों। अगर मैं सोशल फंक्शन की बात करूँ तो सोशल फंक्शन मेन फंक्शन है सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन समाजीकरण। मेरे दोस्तों, फैमिली का एक फंक्शन होता है कि फैमिली बच्चों को, जो न्यू बोर्न्स बेबी हैं, उनमें क्या करती है? समाजीकरण करती है, सोशल फंक्शन परफॉर्म करती है। अर्थात जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको पता नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, उनको पता नहीं होता कल्चर्स क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है। सिखाता कौन है? फैमिली सिखाता है। फैमिली इज अ फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली सोशलाइजेशन का फर्स्ट एजेंट माना जाता है। अगर आपने मेरी सोशलाइजेशन पे वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरी वीडियो जरूर देखें। मैंने बताया सोशलाइजेशन होता क्या है, इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं। सोशलाइजेशन के बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, हमारे टीचर्स, हमारे कॉलेज, हमारे रिलीजन इंस्टीट्यूशन, सारे हो सकते हैं। तो फैमिली जो है वो क्या करती है? सोशल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। सोसाइटी में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको जो उनकी फैमिली है वो बताती है सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, सोसाइटी के रेगुलेशंस क्या हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के कल्चर क्या हैं, सोसाइटी के कस्टम क्या हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या हैं। कौन बताता है? फैमिली ही तो बताती है। तो सोशल फंक्शन में भी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे आप लिख सकते हो रिलीजियस फंक्शन, फैमिली जो है वो रिलीजियस फंक्शन भी परफॉर्म करती है। रिलीजियस फंक्शन मतलब फंक्शंस विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द रिलीजन, क्लोजली कनेक्टेड विद द रिलीजन, रिलीजन से जो फंक्शन डील करते हैं। फैमिली सिखाती है अपने बच्चों को हमारा रिलीजन क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमने किस भगवान की पूजा करनी है, कैसे वो पूजा करनी है, हमने कौन सा त्यौहार मनाना है, कौन सा त्यौहार नहीं मनाना है। फैमिली ही सिखाती है, फैमिली बच्चों को बताती है कि अगर हमारे धर्म में शादी की जाती है तो कौन सी सेरेमनीज को माना जाता है, किसको फॉलो करना अनिवार्य है, हमारे धर्म में हम किस भगवान की पूजा करते हैं। ऑल दीज थिंग्स दे आर बींग शेयर, दे आर बींग लर्न टू न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली इटसेल्फ। What does it mean कि फैमिली जो है वो रोल प्ले करती है एज ए रिलीजियस फंक्शन के बारे में नॉलेज देने के लिए। इसके अलावा एक आप एक और फंक्शन लिख सकते हो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली का एक फंक्शन ये भी है कि बच्चों को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना। मेरे दोस्तों, जो बच्चे पैदा होते हैं फैमिली की ड्यूटी बन जाती है कि उन बच्चों को जब तक वो 18 साल के नहीं होते, मेजर नहीं होते, उनको मेंटेन करे, उनको खाना दे, उनको
जो है वो ऐसे काम नहीं करवाए जो सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट है, जो बच्चों के वेलफेयर के अगेंस्ट है, फिजिकल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट है। बच्चों से भीख ना मंगाए। फैमिली का फंक्शन बनता है कि फैमिली बच्चों को मेंटेन करे, उनसे भीख ना मंगवाए, उनको खाना दे, रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। व्हाट डज इट मीन? द फैमिली हैज़ अ फंक्शन टू मेंटेन द चिल्ड्रन एंड फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर द लाइफ टू चिल्ड्रन, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी हमारा एक फंक्शन फैमिली का बनता है। सातवां फंक्शन आप लिख सकते हो लव एंड अफेक्शन। फैमिली जो है वो क्या करती है? बच्चों के साथ लव करती है, अफेक्शन करती है। दिस इज अ वेरी एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली डू लव एंड अफेक्शन विद द चिल्ड्रन। जो बच्चा नया पैदा होता है उस बच्चे वो एक कोमल फूल की भांति होता है, वो कोरे कागज़ की भांति होता है। उसकी शेप को जैसे मोल्ड कर लो वैसे ही मोल्ड हो जाती है। उसको प्यार दोगे, उसको अफेक्शन दोगे, लव दोगे, बच्चा जो है इसका भूखा होता है। बच्चे को स्ट्रेंथ के लिए, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के इन्हांसमेंट के लिए, पर्सनैलिटी के हमें लव अफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चों को प्यार नहीं मिलता वो लाइफ में गलत काम करते हैं, वो लाइफ में नशे की तरफ जाते हैं, वो लाइफ में जो है वो गुंडागर्दी की तरफ जाते हैं, चोरी की तरफ जाते हैं। पर अगर उनसे प्यार मिले, प्यार से समझाया जाए, बच्चा समझता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, फैमिली का फंक्शन ये भी है कि फैमिली लव एंड अफेक्शन बच्चे को प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। आठ में आप लिख सकते हो अलग से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली का फंक्शन क्या है? वो फैमिली बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। बच्चे जो हैं जब वो सोसाइटी में बैठते हैं, पेरेंट्स उनको सिखाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें चीज़ फॉलो करनी है सोसाइटी में, क्या नहीं करनी है, बच्चों की पर्सनैलिटी से डेवलप होती है। जब बच्चों को प्यार मिलता है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चों को शिक्षा मिलती है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो पेरेंट्स पहले एजेंट्स माने जाते हैं जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो मेरे दोस्तों ये फैमिली के फंक्शन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे अपनी सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच।